विद्यार्थी पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, फिर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करें, परिणाम हमेशा बेहतर होंगे। आपको अपने स्टडी प्लान को विकसित करने और समय का सदुपयोग करने की जरूरत है, तभी आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। यह बात गुजराती स्कूल ऑडिटोरियम में स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित नंद कुमार कस्तूरी की स्मृति में मीडिया कर्मियों के प्रतिभाशाली बच्चों के सम्मान समारोह लक्ष्य में अतिथियों ने कही। सपनों की उड़ान लिए पत्रकारों के मेघावी बच्चों ने स्टेट प्रेस क्लब के आयोजन में पुरस्कार प्राप्त किए। पत्रकार दाऊद कुरैशी के पुत्र कय्यूम कुरैशी का भी सम्मान हुआ। कार्यक्रम में गोपी कृष्ण नेमा, विनय बाकलीवाल जी, तेजेंद्र सिंह घुमन, संजय लुणावत, डॉक्टर राजेंद्र जैन एवं अन्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में अतिथियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि एग्जाम कोई भी हो, हर स्टूडेंट के अंदर अक्सर डर बैठा हुआ होता है, लेकिन पेपर में अच्छा स्कोर करना इतना कठिन भी नहीं है। थोड़ी प्लानिंग और कुछ आसान तरीकों को जानकर न सिर्फ आपकी घबराहट दूर होगी, बल्कि आप नंबरों के मामले में भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस कहावत को हमेशा याद रखें। अक्सर बच्चे पढ़ाई टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं। अधूरा काम बाद में करने से आपके रिजल्ट पर असर पड़ता है। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश ने आज लगभग 125 बच्चों को सम्मानित किया है और ये बच्चे वो है जिन्होंने कक्षा 5 से 12 तक 75% से अधिक अंक लाए हैं। इन्हें हमारे सर्टिफिकेट कॉपियाँ चॉकलेट वगैरह गिफ्ट करी है और जो बच्चे 95% से अधिक लाए हैं उन्हें 2,000 रुपये का कैश प्राइज भी दिया है। विगत 7 वर्षों से हम लोग ये उपक्रम चलाए हुए हैं। हमारी कोशिश है मीडिया कर्मियों के बच्चे प्रोत्साहन पाकर आगे भविष्य में अच्छे से अच्छे विद्यार्थी बने और अपने प्रदेश का नाम रोशन। सर मुख्य अतिथि का रूप में कौन? हमें आशीर्वाद देने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, उद्योगपति मोहन सिंह घुमर और संजय राय जी और शिक्षाविद प्रोफेसर आर के जैन और विकास दवे जी, ये लोग उपस्थित थे। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को टिप्स भी दी, उनका मार्गदर्शन करा कि किस तरह मेहनत और एक लक्ष्य निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ना।